बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, राफिया जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। और सुनाएं, सब ठीक ठाक है, खैर खरीयत है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं। और ये नुस्खा पहले मैंने आज़माया है, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, तो थोड़ा सा मेरे साथ मसला रहा है 4-5 दिन से। तो पहले मैंने इसको आज़माया है, तो फिर हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। काजू बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसके 12 दाने आपने ले लेने हैं। और कागजी बादाम, इसके भी 12 अदद दाने ले लेने हैं। चीनी हसबे जायका। तो शुरू करते हैं नुस्खा जी। चीनी सिर्फ हसबे जायका, बस इसको थोड़ा सा पहले ग्राइंड कर लें हल्का सा, फिर काजू को ग्राइंड करना है और बादाम को भी साथ ही। और इसको दूध के साथ ले लें, या आप खाली भी खा सकते हैं। इसको 2 चम्मच तकरीबन होने चाहिए, ये 2 से 2.5 चम्मच चाय वाले। चीनी ग्राइंड हो चुकी है जी, हम इसमें बादाम ग्राइंड करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, कल इंशाल्लाह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। और भाई इब्राहिम ने फिर एक एहसास का रिश्ता कायम किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। तो कल इंशाल्लाह वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जी। बादाम भी ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें काजू डालते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। कल आप इंशाल्लाह इंतज़ार करना, कल बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। और एक चीज़ आपसे शेयर करनी है कि किसी के साथ अगर हेल्प करनी है तो किस तरीके से करनी है, ताकि किसी इंसान के काम आ सके कुछ, मतलब उसको अधूरा नहीं छोड़ना, उसका गुजारा हो ताकि वो आगे चल सके। जी दोस्तों, ये ग्राइंड हो चुका है, इसके तकरीबन 3 चम्मच होंगे या 2.5 चम्मच होंगे। तो ये आपने लेने हैं दूध के साथ, या खाली भी आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको शफा होगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी किस्म का मसला है आपके साथ, तो इंशाल्लाह शफा होगी, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ और मुझे अल्लाह पाक ने शफा दी है ये नुस्खा इस्तेमाल करने से। इब्राहिम भाई ने कल किसी की हेल्प की थी, इंशाल्लाह कल थाना शेयर कर सूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।